गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 का इंडियन ग्रेवीज में वाइट ग्रेवी एंड मखनी ग्रेवी कवर किया था। इस वीडियो में आज हम ग्रीन ग्रेवी या हरियाली ग्रेवी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन ग्रेवी बेस ए बॉइल्ड स्पिनच पेस्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ग्रेवी। कि स्पिनच यानी पालक, पालक का उबाल करके जो पेस्ट बनाया जाता है वो इस ग्रेवी का बेस होता है। मेन इंग्रेडिएंट्स बॉइल्ड स्पिनच पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैश्यू पेस्ट, क्रीम और बटर फॉर फिनिशिंग। जो मोटे तौर पर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं इसके लिए, उसमें पालक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कैश्यू पेस्ट, क्रीम या बटर आते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। ग्रीन ग्रेवी को बनाने के लिए माइल्ड चिलीज, मतलब जो ज़्यादा तीखी ना हो, मीडियम तीखी हो, उन चिलीज को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्वीट स्पाइसेस, मीठे मसाले जैसे कि सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, मेस पाउडर, जावित्री का पाउडर और कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर, नटमेग, जायफल का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर एट्सेट्रा। ये सभी मसाले ग्रीन ग्रेवी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे है ऑप्शनल, मतलब जिनको हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और अगर ना चाहे तो नहीं कर सकते। अदर ग्रीन सच एज फेनुग्रीक लीव्स, मतलब मेथी, मेथी के पत्ते, मिंट, पुदीना एंड ग्रीन कोरिएंडर, धनिया के पत्ते कैन बी यूज्ड विद स्पिनच, पालक के साथ यूज कर सकते हैं। टू थिकन और फ्लेवर एड कैश्यू नट पेस्ट, कोकोनट पेस्ट मे बी एडिड। तो इसको थिक करने के लिए और फ्लेवर देने के लिए हम कैश्यू पेस्ट या कोकोनट पेस्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिशेस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीन ग्रेवी को किस किस डिश के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर आते हैं पालक पनीर, साग, पालक मीट, पालक कॉर्न, नीलगिरी मुर्ग विद मिंट एंड कोरिएंडर एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है ग्रीन ग्रेवी की रेसिपी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए जाते हैं। इसके अंदर आता है प्याज 300 ग्राम, जिंजर 15 ग्राम, गार्लिक 15 ग्राम, ग्रीन चिल्ली 5 से 6, ग्रीन कार्डमम पाउडर 2 ग्राम, मेस पाउडर 2 ग्राम, साल्ट टू टेस्ट यानी स्वादानुसार, स्पिनच 500 ग्राम, मेथी लीव्स 80 ग्राम, नटमेग पाउडर 1 ग्राम, सिनेमन पाउडर 2 ग्राम, क्लोव्स यानी लौंग 2, टर्मरिक पाउडर 5 ग्राम, कोरिएंडर पाउडर 20 ग्राम, रेड चिल्ली पाउडर 5 ग्राम, ऑयल या घी लेंगे 160 ग्राम और कैश्यू नट 40 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है प्री प्रिपरेशन, मतलब किन किन चीज़ों को हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं। इसके अंदर आता है क्लीन वॉश एंड चॉप स्पिनच एंड मेथी लीव्स, कि पालक और मेथी के पत्तों को साफ़ करके धो के काट के रख सकते हैं बॉयल एंड ग्राइंड हुए पेस्ट, और इसको उबाल करके पेस्ट बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर कैश्यूनट पेस्ट। इसी तरह से कैश्यूनट यानी काजू का पेस्ट बना के तैयार रख सकते हैं, जिंजर, ग्रीन चिल्ली और गार्लिक का पेस्ट बना सकते हैं और साथ ही अनियन का पेस्ट उबाल के तैयार रख सकते हैं। आगे आता है मेथड। मेथड के लिए पहले हम घी या तेल एक बर्तन में गर्म करेंगे, ऐड अनियन पेस्ट, उसके अंदर अनियन का पेस्ट डालेंगे और जब तक कुक करेंगे तब तक कि उसका हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए। ऐड टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुक ऑन स्लो फ्लेम। उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद मंदी आंच पर पकाएंगे। ऐड प्यूरी टोमेटोस एंड साल्ट, उसके बाद प्यूरी किया हुआ टमाटर डालेंगे और नमक डालेंगे। कुक टिल मसाला लीव्स ऑयल, और जब तक पकाएंगे तब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। ऐड स्पिनच पेस्ट, इसके बाद पालक का पेस्ट डालेंगे, काजू का पेस्ट डालेंगे, जायफल का पाउडर, जावित्री का पाउडर, सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर और इलायची का पाउडर डालेंगे। कुक ऑन मीडियम फ्लेम टू ए पोरिंग थिक कंसिस्टेंसी, और जब तक पोर करने वाली कंसिस्टेंसी ना हो जाए तब तक इसको
मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। कूल कवर एंड रेफ्रिजरेट फॉर फ्यूचर यूज। इसके बाद इसको ठंडा करके ढक करके फ्रिज में रखेंगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। नोट, वन कैन ऐड ए टेबल स्पून ऑफ फ्लोर मिक्स्ड इन लिटल वाटर व्हाइल कुकिंग स्पिनच पेस्ट टू एंश्योर दैट इट ब्लेंड्स वेल टू ए स्मूथ टेक्सचर। तो यहाँ एक नोट करने लायक बात बताई हुई है कि वन कैन ऐड ए टेबल स्पून ऑफ फ्लोर, कि एक चम्मच आटा उसमें थोड़ा सा पानी मिला के कुकिंग स्पिनच पेस्ट के अंदर डाल सकते हैं, इससे इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ बनता है। नेक्स्ट इज येलो ग्रेवी। येलो ग्रेवी का बेस होता है ए बॉइल्ड अनियन पेस्ट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ग्रेवी। मेजर इंग्रेडिएंट्स, मेजर इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करते हैं येलो ग्रेवी बनाने के लिए, उसमें आता है बॉइल्ड अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पॉपी सीड्स या कैश्यू या मेलन सीड पेस्ट, मिल्क, क्रीम या दही। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। येलो ग्रेवी बनाने के लिए स्पाइसेस में होल ग्राम मसाला यानी कि साबुत गरम मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची एट्सेट्रा। मे बी रिमूव्ड पोस्ट कुकिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स। और जब इसके अंदर फ्लेवर आ जाए ग्रेवी के अंदर तो इन मसालों को हटा सकते हैं। साल्ट, वाइट पेपर पाउडर और ग्राइंडेड ग्रीन चिलीज विद जिंजर गार्लिक। इसके अलावा नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर और पिसी हुई हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल, ऑप्शनल में हम इसके अंदर सेफ्रन इंस्टेड ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी के बजाय सेफ्रन यूज कर सकते हैं, रोज़ वाटर एंड पिंच ऑफ शुगर यूज कर सकते हैं। डिशेस इन विच इट इज़ यूज्ड, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कौन सी डिशेस के अंदर ये ग्रेवी यूज करते हैं। इसमें आता है बेस फॉर कोरमा, कोरमा का बेस बनाने के लिए ऑफन यूज्ड इन कम्बिनेशन विद मखनी और हरियाली ग्रेवी टू फॉर्म डिशेस लाइक मेथी मलाई, पनीर, मुर्ग, मलाई कोफ्ता एट्सेट्रा। तो इन डिशेस को बनाने के लिए येलो ग्रेवी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज केयर, मतलब इस ग्रेवी को बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनियन शुड नॉट कलर व्हाइल कुकिंग इन घी और ऑयल। जब अनियन को घी या तेल में कुक करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, वो ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए। हैंस कुक ऑन लो फ्लेम, इसलिए इसको मंदी आंच पर पकाना चाहिए। ऐड कर्ड या मिल्क या क्रीम एट द फाइनल फिनिशिंग स्टेज ऑफ द डिश एज दे टेंड टू डिटेरियोरेट रैपिडली। और जब इसकी फाइनल स्टेज आती है तो उस टाइम पे दही, दूध या क्रीम ऐड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये डिटेरियोरेट यानी कम होना शुरू होता है, गाढ़ा होना शुरू होता है। टू प्रिवेंट कर्डलिंग ऑफ कर्ड, ए स्पून ऑफ फ्लोर में बी मिक्सड विद इट, कि दही फटे ना इसके लिए एक चम्मच आटा भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेसिपी। रेसिपी के लिए इसमें कौन से इंग्रेडिएंट और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ये देखते हैं। अनियंस 350 ग्राम, जिंजर 25 ग्राम, गार्लिक 25 ग्राम, ग्रीन चिलीज 8 से 10, ग्रीन कार्डमम पाउडर 2 ग्राम, बेस पाउडर 2 ग्राम, साल्ट टू टेस्ट यानी स्वादानुसार, ग्रीन कार्डमम होल यानी कि साबुत इलायची हरी वाली 4, ब्लैक कार्डमम 2, बेलीफ 2, सिनेमन स्टिक 1 इंच, 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, क्लाउज यानी कि लौंग 4 से 5, टर्मरिक पाउडर 5 ग्राम, कोरिएंडर 20 ग्राम, रेड चिली पाउडर 5 ग्राम, गरम मसाला पाउडर 5 ग्राम, ऑयल या घी लेंगे 160 ग्राम, क्यूमिन सीड यानी कि जीरा लेंगे 5 ग्राम, कैश्यू नट, काजू लेंगे 60 ग्राम, क्रीम लेंगे 50 ml और दही लेंगे 175 ग्राम। प्री प्रिपरेशन, मतलब इसको बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। प्रिपेयर बॉइल्ड अनियन पेस्ट, बॉइल्ड अनियन पेस्ट को तैयार करके रख सकते हैं, साथ ही जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना सकते हैं और कैश्यू नट का पेस्ट बना सकते हैं। विस्क टू स्मूथ कंसिस्टेंसी, मिक्स अबाउट 50 ml वाटर और दही को 50 ml पानी मिला करके फेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड। मेथड कैसे बनाएंगे, एक बर्तन के अंदर तेल गरम करेंगे, उसके बाद ऐड होल स्पाइसेस जो आपके साबुत मसाले हैं जैसे कि इलायची,
हरी इलायची, काली इलायची, लौंग और आपका सिनामन यानी दालचीनी, बेलीफ, तेज़पत्ता, ये सभी मसाले डालेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद अनियन का पेस्ट डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। इसके बाद जिंदर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डालेंगे और बंदी आंच पर, मीडियम आंच पर इसको कुछ मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद टर्मरिक पाउडर डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, साथ ही नमक भी डाल देंगे। ऐड 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर, फिर 2 चम्मच पानी डालेंगे और कुक टिल मसाला लीव्स ऑयल, और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका मसाला तेल ना छोड़ दे। ऐड बीटन कर्ड, जो फेटा हुआ दही है उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद ब्रिंग टू बॉयल वाइल स्टरिंग और चलाते हुए उबाल आने तक पकाएंगे। सिमर एंड ऐड फ्यू कैश्यू नट पेस्ट एंड क्रीम। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम नीचे टेम्परेचर पर पकाते हुए कैश्यू नट का पेस्ट डालेंगे और क्रीम डालेंगे। स्प्रिंकल गरम मसाला, इसके बाद गरम मसाला डाल देंगे, कार्डमम एंड मेस पाउडर भी डाल देंगे। सिमर टिल द कंसिस्टेंसी इज थिक बट पोरिंग, इसके बाद तब तक पकाएंगे जब तक ये पोरिंग कंसिस्टेंसी तक ना हो जाए। नेक्स्ट कूल कवर एंड रेफ्रिजरेट फॉर फ्यूचर यूज, इसके बाद इसको ठंडा करेंगे, ढक करके फ्रिज में रख देंगे फ्यूचर में यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका ब्राउन ग्रेवी या अनियन टोमेटो ग्रेवी। बेस, चॉप्ड अनियंस एंड टोमेटोज फॉर्म द बेस ऑफ द ग्रेवी। जो ब्राउन ग्रेवी है उसके अंदर कटे हुए टमाटर और प्याज बेस होता है। मेजर इंग्रेडिएंट्स चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड टमाटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसके मेजर यानी मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं ब्राउन ग्रेवी के लिए। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, स्पाइसेस में आपका क्यूमिन सीड यूज़ करेंगे, होल गरम मसाला सच एज बेलीफ, क्लव, सिनेमन स्टिक, कार्डमम एट्सेट्रा, ये सभी यूज करेंगे। मे बी रिमूव्ड पोस्ट कुकिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स, और जब इसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाता है उसके बाद इन मसालों को निकाल देंगे। साल्ट, रेड चिल्ली पाउडर और ग्राइंडेड ग्रीन चिलीज विद जिंजर गार्लिक, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये सभी मसाले ब्राउन ग्रेवी को बनाने में यूज़ करेंगे। ऑप्शनल मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों के बीज ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। डिशेज इन विच यूज, कौन कौन सी डिशेज है जिसके अंदर ये ब्राउन ग्रेवी यूज होती है। दिस ग्रेवी इज यूज इन नॉर्थ इंडियन कुकिंग एंड फॉर्म्स द बेस फॉर मैनी करीज, इस ग्रेवी को नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी कुकिंग के अंदर यूज करते हैं जो कि उन करीज का बेस बनाते हैं। द स्टेज एज एट विच इट इज गिवन इन रेसिपी, इट कैन बी यूज एज टेम्परिंग फॉर दाल्स, इस ग्रेवी को दाल में तड़का लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। बॉइल्ड लेंटिल्स, उबली हुई दाल को तड़का लगाने के लिए। एंड ड्राई वेजिटेबल डिशेज, और सूखी सब्जी की जो डिश है उसको बनाने के लिए भी यूज करते हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू द बेस एंड इट इज़ कुक्ड फर्दर, जब इसमें पानी डाला जाता है और इसको आगे पकाया जाता है, इट फॉर्म्स ए करी विच कैन बी यूज टू सिमर वेजिटेबल्स, कॉटेज चीज़, मीट, एग्स एट्सेट्रा, यह एक करी बनाता है जिसको वेजिटेबल, पनीर, मीट और अंडे को बनाने के लिए यूज करते हैं। दिस ग्रेवी इज यूजुअली चंक्स इन टेक्सचर, चंकी इन टेक्सचर, ये जो ग्रेवी होती है ये चंकी टेक्सचर में चंकी होती है, मतलब हल्की दरदरी होती है। बट इफ़ डिजायर्ड इट कैन बी कुक्ड एंड प्यूरीड फॉर ए स्मूथ कंसिस्टेंसी, लेकिन अगर आपको स्मूथ चाहिए, बिल्कुल स्मूथ, दरदरी ना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा और पका करके स्मूथ भी कर सकते हैं। केयर, इस ग्रेवी को बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। क्यूमिन सीड्स शुड नॉट बर्न एंड टर्न ब्लैक, जीरा जो है आपका जलना नहीं चाहिए और काला नहीं होना चाहिए। अनियंस आर टू बी ब्राउन्ड, प्याज ब्राउन होने चाहिए। इफ़ ओवर कुक्ड दे इम्पार्ट ए बिटर फ्लेवर, अगर प्याज को ज़्यादा पका दिया तो ये कड़वा फ्लेवर ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं। एंड इफ़ अंडर कुक्ड, अगर अच्छी तरह नहीं पकाया, कच्चा रह गया, दे नेवर ब्लेंड विद लिक्विड, तो ये पानी के साथ कभी भी
मिक्स नहीं होते हैं एंड गिव ए रॉ टेस्ट एंड अरोमा, और इनका कच्चा फ्लेवर आता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है ब्राउन ग्रेवी बनाते हुए। नेक्स्ट इज़ रेसिपी, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी क्वांटिटी में यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, टोमेटोज़ 600 ग्राम लेंगे, अनियंस 600 ग्राम, जिंजर लेंगे 50 ग्राम, गार्लिक 50 ग्राम, ग्रीन चिलीज 8 से 10, ब्लैक कार्डमम 2 लेंगे, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बे लीफ आपका 4 से 6, सिनेमन स्टिक 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, टर्मरिक पाउडर 10 ग्राम, कोरिएंडर पाउडर 30 ग्राम, रेड चिली पाउडर 10 ग्राम लेंगे, गर्म मसाला लेंगे 15 ग्राम और ऑयल या घी लेंगे 85 ग्राम, और लास्ट में क्यूमिन सीड लेंगे 5 ग्राम। प्री प्रिपरेशन, किन चीज़ों को पहले से तैयार कर रख सकते हैं। पील एंड चॉप अनियंस, प्याज को छील करके काट करके रखेंगे, टोमेटोज़ को काट के रखेंगे प्रिपेयर, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट और ग्रीन चिल्ली के पेस्ट को तैयार करके रखेंगे। नेक्स्ट आता है मेथड, ब्राउन ग्रेवी को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में घी या तेल को गर्म करेंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक उसका हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए। ऐड होल स्पाइसी, जितने भी साबुत मसाले हैं, काली इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सभी डाल देंगे और 10 सेकेंड तक पकाएंगे। ऐड अनियंस, इसके बाद प्याज डालेंगे और उनको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे जब तक कि उनका ब्राउन कलर ना हो जाए। ऐड जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली पेस्ट, इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, कुक वाइल स्टरिंग टिल ब्राउन, और तब तक पकाएंगे जब तक इसका ब्राउन कलर ना हो जाए। ऐड टर्मरिक पाउडर, फिर हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, फिर इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। ऐड टमाटोज़, फिर टमाटर डालेंगे, कुक वाइल स्टरिंग टिल मसाला लीव्स ऑयल, और जब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। ऐड गरम मसाला, फिर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, कुक कूल कवर एंड रेफ्रिजरेट फॉर फ्यूचर यूज, और भविष्य में यूज के लिए इसमें रख देंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद है आप सबको सारा मैटर अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।